हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ लेके एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। गाइस, उम्मीद है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें। कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स का मतलब है कि डाउट जॉब के रिलेटेड में कमेंट्स करें, गंदे गंदे कमेंट्स नहीं करें। मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ कमेंट्स एक दो ऐसे आते हैं हफ्ते के जो मेंटलाइज जिसकी रहती है ना माइंड की, वो लोग ऐसे करते हैं। एनीवे, उनका तो हमारी कंपनी पता लगाती है, अच्छी तरीके से लगाती है। उनका मेल आईडी जो रहता है ना, उनके थ्रू ट्रैक करके उनका पूरा डाटा जो है अच्छे से जो है चेक करती है, फिर उनका अच्छे से नंबर लगाती है। ये कमेंट्स जो रहता है ना, ये अगर आपको हमारी कंपनी की तरफ से कुछ धोखा मिलता है, अगर आपको हमारे थ्रू कुछ ऐसा फेक मिलता है तभी करें, कुछ भी मिले तो। नहीं तो फालतू का जो है ना, यहाँ ऐसे कमेंट्स नहीं करें। ऐसे कमेंट्स जो रहते हैं ना, ये भटकाने के काम करते हैं आपका कमेंट्स। ना तो खुद काम पे जाते हैं, ना दूसरों को जाने के लिए छोड़ते हैं। और ये सारे कमेंट्स ऐसी कंपनी है, ऐसी एजेंसियां रहती है जो दूसरे तीसरे थर्ड पार्टी के थ्रू करवाती है। तो कमेंट्स करना तो जॉब के रिलेटेड में कमेंट्स करें। तो गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है, वो जॉब होने वाली है सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड के रिलेटेड में, फील्ड के रिलेटेड में एक और अच्छी जॉब्स। एक्चुअल में 2 महीने से पहले जो है जॉब हम लोगों के पास फील्ड एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड में आई थी, वापस अभी जो है ये लेके आया हूँ मैं आपको फील्ड एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड में। अच्छी सैलरी और अच्छा इंसेंटिव देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट है आपसे एक बार और कि वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले, काम का जो है पूरा नॉलेज मिले। एक्चुअल देखिए गाइस, क्या होता है कि बेंगलोर में और इंडिया में काम की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है। उसको जो है ना, करने वाला बंदा होना चाहिए, बस उतना ही है। आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला होना चाहिए कि भाई वहाँ ये काम मिल रहा है, एक्स वाई जेड जगह में ये काम मिल रहा है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ का जो है, ये डिस्क्रिप्शन है जॉब, ये प्रोफाइल है, मतलब वो सब गाइड करने वाला होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो है लड़के लोग आते हैं किसी एजेंसी के थ्रू या किसी गलत जो है खातों में लग जाते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, समझ लीजिए कि काम खत्म, बस वो लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो गाइस, आप अच्छे एजेंसी के थ्रू जाएं, तो ये होने वाली है आपके लिए सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब्स। फील्ड वर्क रहेगा, इसमें जो है बाइक कंपल्सरी है, बाइक आपके पास होनी ही चाहिए। ये जॉब जो रहेगी, मैंने 2-3 दिन पहले एक लोडिंग अनलोडिंग का वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे, जो ओनियन पोटैटोस का जो बड़े बड़े गोडाउन रहते हैं वहां पे लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा। तो उसी कंपनी में आपको मार्केटिंग और सेल्समैन का काम मिलेगा। जिसके पास भी बाइक है, जिसको लोकल लैंग्वेज आती है, प्लस लोकल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश आती है, जिसको फील्ड के रिलेटेड में एक्सपीरियंस है, जो सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल है, उन लोगों के लिए जॉब्स बहुत ही अच्छी होने वाली है। टारगेट बेस्ड जॉब रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम टारगेट रहता है इसमें, वो टारगेट अचीव किया तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव भी देखने को मिलता है इन सब जॉब में। अब ये जॉब क्या होने वाली है कि ओनियन पोटैटोस जो रहता है वो बल्क में जो है आप लोगों को मार्केटिंग करनी रहेगी, उसको सेल करना रहेगा। अब सेल कहाँ करना रहेगा, वो कंपनी के थ्रू लीड मिलेगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं कि जैसे हाइपरमार्केट हुआ, सुपरमार्केट हुआ, बड़ी बड़ी होटल हुई, उनमें जाके जो बात करनी पड़ेगी कि जो एक्स वाई जेड कंपनी से आया हूँ मैं, हमारा ये रेट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, 4 से 5 आइटम रहता है, ऑनियन पोटैटो मतलब और भी कुछ रहता है, 4 से 5 प्रोडक्ट रहता है, वो सारा का सारा आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाता है कि प्रोडक्ट क्या क्या रहेगा, रेट क्या क्या रहेगी, उनकी होलसेल में क्या रेट रहेगी, रिटेल में क्या रेट रहेगी, वो जो रहेगा वो ऑर्डर लेके आपको ऑफिस में सबमिट करना रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा उसमें, जनरल शिफ्ट रहेगी। जनरल शिफ्ट वैसे सबको पता है, जो काम करने वाले फील्ड में जो रहता है उनको सबको पता रहती है। सुबह 9 बजे से लगाकर या फिर 9:30 से लगाकर आपको घर से निकलना रहेगा, फील्ड में जाना रहेगा डायरेक्ट। वहां से कंपनी के थ्रू जो डाटा आता है वहां पे जो ऑर्डर लेना है, कलेक्शन करना है, इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग, आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपके अकॉर्डिंग नई नई दुकानें सर्च करना है, नई नई हाइपरमार्केट सर्च करना है, या फिर नई होटल सर्च करके उनका ऑर्डर लेना है, वहां पे अपना आइटम देना है, तो वही सब काम रहता है सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव का।
इसमें टारगेट बेस रहती है, आपको एक टारगेट दिया जाता है मंथली का या डेली का कि एक दिन में इतने का जो है मुझे सेल चाहिए, एक महीने का इतना सेल चाहिए। लेकिन इस जॉब में यह रहता है कि आप अगर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको जो इसमें सैलरी देखने को मिलती है ना, उतनी की उतनी आपको इंसेंटिव देखने को मिलता है इस जॉब में। इसलिए ये जॉब थोड़ी अलग हटके है सब जॉब से। हम लोगों के पास वैसे सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत सारी जॉब्स भरी पड़ी है। डेली का जो है 1-2-3 कैंडिडेट्स ज्वाइन होता ही होता है हर एक कंपनी में। हम लोग जो है बड़े बड़ी जो है मार्केटिंग वाली बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज रहती है ना, जिसका मार्केटिंग करवाना रहता है, वहां पे हम लोग जो है इंटरव्यू के लिए भेजते कैंडिडेट्स को और ज्वाइन होता है। ये इसलिए हटके है क्योंकि इसमें जो है इंसेंटिव आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें कंपनी ऐसा ही क्राइटेरिया रखी है, जितना सैलरी उतना ही इंसेंटिव। तो सैलरी क्या रहेगी इसमें कि स्टार्टिंग से 15,000 से लगाकर 20,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें 15 से 20 सैलरी इसमें फिक्स नहीं है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, या फिर आपकी 18 भी हो सकती है। आपको इंटरव्यू में सब कुछ क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। आप एक बार इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा, उसमें आपकी सैलरी बताई जाएगी, टाइमिंग बताया जाएगा, एक्चुअल काम क्या रहेगा वो बताया जाएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग होने के बाद प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहेगी, कौन सा मार्केट कैप्चर करना रहेगा, आपको किस समय जाना उचित रहेगा, वो सारा का सारा आपको थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 दिन 2 दिन या फिर थोड़ा ट्रेनिंग देते प्रोवाइड करते ताकि आपको कुछ और एक्सपीरियंस मिल सके। टाइमिंग जैसे मैंने बताया सुबह जो है 9:30 से लगाकर शाम के 6 बजे तक लास्ट रहता है। इसमें वीकली ऑफ छुट्टी देखने को मिलती है जो संडे संडे रहती है। इसके अलावा कंपनी आपको जो है ESI PF वगैरह की फैसिलिटी भी देती है, लेकिन वो कब रहता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद में। अब इस कंपनी में क्या है कि ये थोड़ी छोटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसलिए इसमें ESI PF की फैसिलिटी नहीं रहती है। लेकिन इसमें इंसेंटिव, जितनी सैलरी उतना इंसेंटिव। मान के चलिए कि आपकी सैलरी 15,000 मिनिमम जो बताए ना, वो 15,000 फिक्स हुई है, या फिर 15,000 में आपने अपॉइंट किया है, 15,000 सैलरी, तो 15,000 आपका इंसेंटिव हो गया, तो समझ लीजिए कि 30,000 सैलरी हो जाती है। एरिया जेपी नगर एरिया रहेगा इंटरव्यू का, वर्क लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर रहेगा, आपका एरिया आपके नियर बाई में ही दिया जाएगा, उसके सराउंडिंग ही आप घूमेंगे, उसके अंदर अंदर ही आप ऑर्डर लेने के लिए जाएंगे। ज्यादा जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो आपका इंसेंटिव आपके हाथ में रहेगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे से काम करते हैं इस कंपनी में तो आफ्टर 1 ईयर, एक्चुअल में क्या बताऊं मैं कि हर एक कंपनी में आपको जो है ग्रोथ मिलती है ना, जो जॉब में काम में जो आपको जो ऊपर ले जाने की ग्रोथ मिलती है ना, वो 6 महीने साल भर के बाद ही मिलती है। तो इस जॉब में भी ऐसा ही है, आफ्टर 1 ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज की जाती है कंपनी के द्वारा, लेकिन आप 1 साल तक इस काम में डटे रहेंगे तब। तो ये है सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बेंगलोर में ऑलरेडी रह रहा हो या फिर बेंगलोर का ही है, जिसको सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये जॉब, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। इसमें किसी को भी कहीं पर भी आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं रहती है ज्वाइनिंग फॉर्म पे, ज्वाइनिंग फीस का या फिर कुछ भी आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि जो हम आपसे 1,000 लेंगे, 2,000 लेंगे, 3,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, 1 महीने में रिफंड करेंगे, 6 महीने में रिफंड करेंगे या फिर नॉन रिफंडेबल रहेगा, नहीं। यहाँ पे पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाता है। इसीलिए तो जो है ये मेंटल लोग जो रहता है ना, दूसरी कंपनी वाले, दूसरी एजेंसी वाले, जिसको हमारी कंपनी का ये रूल्स और ये रवैया पसंद नहीं आता, इसलिए वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं ताकि उनका दुकान बंद होने लगी है। उनका जो ये खाने का काम रहता ना, जो लोगों से, लड़के लोगों से, कैंडिडेट से पैसा लेते हैं, उनकी दुकान जो चलती है ना, उनका घर जो चलता है ना, वो बंद ना हो जाए कहीं, तो ऐसे ऐसे आके कमेंट्स करते हैं। एनीवे भाई वो उनका मर्जी है, हम लोगों की कंपनी उनको ट्रैक करती है अच्छी तरीके से। क्या ईमेल आईडी आता ना, वो ईमेल आईडी से अच्छी तरीके से ट्रैक करती है, उसके लिए पर्सनली जो है ना एक अलग से टीम बनी रखी है। तो गाइस
ये सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा अपना रेज्यूम भेजे पहले, रेज्यूम भेज के नीचे सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव लिख के छोड़ दे, हमारी टीम तुरंत ही आपसे कांटेक्ट करेगी। नेक्स्ट डे इंटरव्यू रहेगा, सिलेक्शन होने के बाद आपका सेकंड नेक्स्ट डे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा इंसेंटिव, अच्छी सैलरी वाली जॉब है आप लोगों के लिए। फ्रेशर भी जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। तो गाइस एक और अच्छी जॉब है ये आपके, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर एंड लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।